करती है। वकीलों द्वारा एकत्र होकर युवकों के खिलाफ संबंध थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। हाईकोर्ट चौराहे पर वाहन टर्न लेने के बाद को लेकर बाइक सवार दो युवकों का विवाद वकील से हो गया था। वहीं इस दौरान दोनों युवकों ने वकील के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे वहां मौजूद वकीलों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने यहाँ पर पूछा है, उसने तौसीफ मेमन नाम बताया है। किस चीज का हथियार था, मतलब पूछा? एक खटकन हुआ, जैसे गुप्ती आती है, गुप्ती थी। गाड़ी बीच में खड़ी करी थी, हमें हाईकोर्ट में मुड़ना था और उन्हें सीधे जाना था। अब हाईकोर्ट का जो सिग्नल था वो चालू था, सीधे वाला जा नहीं सकता था और हम उसके कारण आगे जा नहीं सकते थे। हमने हॉर्न बजाया और उसने हॉर्न बजाने पर हमको मारपीट करने का प्रयास किया। और जब वो जो है मुझे मारपीट, जब वो उसने करने का प्रयास किया तो उसके मुंह से मुझे ऐसा लगा कि जो है बदबू आ रही है नशा। हाईकोर्ट चौराहे पर जो रीगल तरफ से हाईकोर्ट जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ पर राइट टर्न है, उस राइट टर्न में एक मोटरसाइकिल वाले ने अपनी गाड़ी लगा रखी थी और पीछे से वकील साहब का आना हुआ है और हाईकोर्ट के लिए टर्न होना हुआ। इसी दौरान उसको हटने के लिए बोला गया और उसके द्वारा गाली गलौज और मारपीट की गई थी, जिसको लेकर थाने पर अपराध पंजीकृत किया जा रहा है।